अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के पापड़। गर्मियों के दिन है, धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो हम अपने पापड़ को आसानी से सुखा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच तेल, एक लीटर पानी। मैंने यहाँ एक कप सूजी के लिए एक लीटर पानी लिया है। अगर आप कप से मापेंगे तो जिस कप से आपने सूजी मापा है उसी कप से 6 कप पानी लीजिए। तो चलिए अब हम पापड़ बनाते हैं। इसके लिए हम एक पतीला लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। गैस ऑन करें, जीरा डालें, नमक भी डाल दें और अब हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे। पकाते वक्त हमें इसकी आंच मीडियम ही रखना है और लगभग हम इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक रखेंगे। एक प्लास्टिक की थैली ले, उसे अच्छी तरह से धोकर पोंछ ले और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएं। हल्का सा तेल हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमारे पापड़ आसानी से निकल जाएं। और फिर हम इस पर अपने पापड़ को धीरे धीरे फैलाएंगे। इसे हम धूप में 2 से 3 दिन तक उलट पलट के सुखाएंगे। हमारे पापड़ अच्छी तरह से सूख चुके हैं, अब मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। पापड़ को तलने के वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तेल गर्म हो अच्छी तरह से और पापड़ डालते वक्त इसे चमचे से बराबर दबाते रहे, इसे पापड़ अच्छे से फूल जाएंगे। गर्मा गर्म घर के बने हुए सूजी के पापड़ तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।